विल रेंडर देयर सर्विसेज एंड हु सर्विसज कैन बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू हैव अक्सेसफुल प्रोग्राम इसमें साइकोलॉजिस्ट साइकैट्रिस्ट पीडिशंस और इसके साथ साथ एक्सपर्ट टीचर्स करिकुलम डवेलपर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स इन सब को शामिल करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि इनकी राय लेना भी जरूरी है तो जब आप एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्लान का इनका करना चाहते हैं तो वहाँ ये देख लें उन लोगों की शनाख्त कर लें जो आपकी मदद करेंगे और आपको साथ लेकर वो आइस प्रोग्राम की बेहतरी में मजीद बेहतरी लाने के लिए मदद करेंगे इन लोगों में आइडेंटिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं पहली बात तो ये कि कुछ लोग खुद वॉलेंटियर करते हैं दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द स्कूल इसके साथ साथ वी शुड लुक फॉर पोटेंशियल पार्टनर्स एंड वी शुड ऑल्सो एडवर्टाइज इफ नीड बी दैट अ पर्टिकुलर स्कूल रिक्वायर्स द सर्विसज ऑफ गाइड्स एंड काउंसलर्स तो वहाँ पर यह भी बात बहुत ज़रूरी है कि उनकी पोटेंशियल सर्विस जो हैं उससे किस किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है और उनका उनका होना उनका मौजूद होना और उनका आपके साथ मिलकर काम करना ये सब पॉलिसी डिवेलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए

और इसके अलावा कम्युनिटी मेंबर्स हैं ये वो लोग हैं जो आपके कोर ग्रुप का हिस्सा हैं इसके अलावा कुछ इनवाइटेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने नाम लिया साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रस्ट या पीडिटिशन हैं ये हर वक्त तो आपके उस कोर ग्रुप में मौजूद नहीं होंगे लेकिन जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये लोग आपके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं तो सबसे पहली ज़रूरी अमल तो ये है कि आप लोगों की शनाख्त करें वो लोग जो आपके ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि बाज़त जब प्रॉब्लम सामने आ जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको फ़ौरी मदद की ज़रूरत होती है तो फिर हम लोगों की तलाश में निकलते हैं तो कोशिश ये करें कि नौबत यहाँ तक ना आए पहले ही आपकी लिस्ट के ऊपर लोग मौजूद हों जिनकी मदद बर वक्त हासिल की जा सकती है इसलिए सबसे पहले तो लोगों को ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी है उनकी हमायत हासिल करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि वो अपना कौन सा वक्त आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं इसमें जो एक और अमल बहुत ज़रूरी है वो ये है कि वो लोग जो आपके इनवाइटेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनको स्कूल में बुलाकर और उनकी पहचान कराना भी ज़रूरी है कम्युनिटी मेंबर्स को पेरेंट्स को इसके अलावा स्टूडेंट्स को उनकी पहचान कराना जरूरी है क्योंकि जब आप उनको बुलाएंगे तो बाज़ात लोग घबरा जाते हैं वट इज़ इम्पोर्टेंट हेयर इज़ टू आइडेंटिफाई योर लोकल पार्टनर्स हु आर योर इन्वाइटेड पार्टनर्स And then to let them have a dialogue with all the stakeholders because they will tell them about the importance of their role in the group, about the importance of their presence in the school. This is extremely important because what we need to do is to arrive at a mutual understanding, mutual understanding among all the stakeholders. So, what is important here is what needs to be done after you reach a mutual understanding, and then what are the steps.

वो बिगर रिसोर्स तभी मौजूद होगा वैन यू लुक फॉर पीपल वैन यू आइडेंटिफाई पीपल एंड वैन यू इन्वाइट देयर सर्विसिज सो दिस इज दिस बेसिकली बिल्ड अ क्लोजर कनेक्शन विद द कम्युनिटी ऑल्सो बिकॉज द कम्युनिटी एट लार्ज दे हैव एक्सपर्ट ओपिनियंस अवेलेबल दे हैव एक्सपर्ट इन दैम सो द गुड थिंग इज टू यूटिलाइज दोस्पर्टीज टू यूज इट इन द स्कूल फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स